हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुष्प ऑफिशियल। पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको पीआरएमओ 2019 के बारे में बताया, उसके कटऑफ्स जारी किए, उसके आंसर कीज। अब इस बार बारी है वीडियो सॉल्यूशन की, तो आइए वीडियो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हम कुछ सेगमेंट्स में वीडियो सॉल्यूशंस देंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। इस सेशन में हम सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम अ स्क्वायर विथ साइड्स ऑफ लेंथ 5, एक स्क्वायर हम बना लेते हैं, ठीक है? चलिए, एक स्क्वायर बना लिया जिसकी हर एक साइड की लेंथ 5 है। ट्रायंगुलर पीसेस फ्रॉम 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर से हटाए गए, आर रिमूव्ड टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन। एक रेगुलर ऑक्टागन बनाने के लिए आइए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है? ये मान लीजिए एक्स पार्ट कट किया जा रहा है हर एक साइड से, ठीक है? चारों जगह एक्स होगा, ये रेगुलर है तो सारे इसके साइड से ऑक्टागन के बराबर होने वाले हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया रिमूव टू द नियरेस्ट इंटीजर। इन सब का एरिया, चारों ट्रायंगल्स का एरिया हमें रिमूव करना है। आइए देखते हैं एरिया ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा। 4 × ½ × बेस × हाइट, बेस हाइट दोनों तो एक्स एक्स है। तो ये 2x² हो गया, लेकिन हमें आंसर इंटीजर में लाना है, तो x की वैल्यू हमें नीडेड है। x की वैल्यू कैसे आ सकती है, सोचिए सोचिए सोचिए, x और x, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2x इसका वैल्यू आ जाए, आप खुद से कर लेना। वो इसको अगर हम इसके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, 5 − 2x, x x को जोड़ के 5 में से घटा दोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को अगर इक्वल कर देते तो कुछ हमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक्स इन दोनों को इक्वल क्यों कर रहे हैं पता है ना, चलो ठीक है, √2x = 5 − 2x। जो सोल्यूशन कर सकते हैं वो लोग आगे कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका अप्रोक्सीमेट 1.4 होता है √2 का। x = 5 − 2x ये इधर आएगा, तो 3.4x = 5, तो ये लगभग लगभग हमारा आंसर एक्स का आएगा 1.4, ठीक है? चलिए 1.4 आ गया हमारा, तो इसे 1.4 यहां पे रख देते हैं सीधे। 1.4 का स्क्वायर ये 2 है, तो 1.4 का स्क्वायर 1.96 होता है, और जिसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 6 12, इसको सीधे 2 मान लीजिए, क्या इसको सीधे 2 मान लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया नियरेस्ट इंटीजर में। इसको अगर करते तो कुछ डेसिमल में आता, तो हमने डायरेक्ट इसको मान लिया, तो 4 डायरेक्ट हमें इंटीजर में आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x+1 को अगर एफ एक्स के जगह पे रख देते हैं, तो x+1/x को अगर हम रखते हैं यहां पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x+1/x का होल स्क्वायर प्लस a × x+1/x प्लस बी। इसको सॉल्व कर ले, ठीक है? तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, fx + f1/x, इसको भी निकालना होगा। fx तो हमें पता ही है, ये x² + ax + b, और f 1/x क्या हो जाएगा, 1/x² + a/x + ये क्या हो जाएगा, b का b ही रह जाएगा। अब यहां देखो आप, x² कैंसिल, 2 कैंसिल नहीं होगा, 1/x² 1/x² कैंसिल, ax कैंसिल, a/x कैंसिल, b कैंसिल, अब एक b बच गया इधर और एक 2 बच गया, तो b = 2, हमें ये मिल गया। अब यहाँ इस पे ध्यान दो आप, यहाँ पे हम रूट से कुछ, अब सिर्फ b मिल गया, अगर a भी मिल जाता है हमें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो α + β क्या होगा, ये दो रूट्स अगर मान लिया इस इक्वेशन के, तो क्या होता है, -b/a होता है, -b/a = -a, ठीक है? और अल्फा बीटा ये क्या होता है, c/a, यानी इस केस में c क्या है, ये है, इस केस में यही c है ना, ठीक है?
तो यहाँ पे बी। अब यहां देखो बी का वैल्यू तो हमें पता है जो कि 2 है। अब अल्फा बीटा 2 कब कब आएगा? कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, 1 या तो 1 2 हो या फिर 1 बाई माइनस 1 माइनस 2 हो। आप इसको तो ये भी कर सकते हो 2 1 माइनस 2 माइनस 1। मैं ऑर्डर पेयर में नहीं जा रहा, ठीक है, जस्ट कोई भी पेयर ले रहा हूँ, सिर्फ पेयर पे ध्यान दे रहा हूँ, ऑर्डर पे नहीं। तो ये हमारी ये हो जाएगी। अब यहाँ पे आप माइनस 1 2 रख के देख लो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए था, 1 2 रखते हैं माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाता है यहाँ से, और ए इज इक्वल टू अगर आप माइनस 1 और माइनस 2 रखते हो तो क्या हो जा रहा था आपका, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ए कैंसिल, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी ए की वैल्यू प्लस माइनस 3। अब प्लस माइनस कुछ भी रखो यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर या फिर माइनस 3 स्क्वायर 9 होगा, तो 9 प्लस, और बी की वैल्यू थी 2, तो 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13 आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, x5 की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि x6 जो हमारा आंसर आएगा उसके लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर का जो डिजिट्स का सम क्या होगा। तो पहले x6 निकालते हैं। x6 निकालने के लिए हमें, अगर x6 लेना चाहते हैं तो हमें n is equal to 5 रखना होगा, तब x5 5 plus 1 equals to x6 बराबर हम क्या कर पाएंगे, 1 plus x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, यहां तक कर पाएंगे, ये x6 की वैल्यू हो गई। लेकिन इंटीजर में वैल्यू नहीं आई तो आएगी भी नहीं, क्योंकि x का वैल्यू हमें पता होना चाहिए इन सब का, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। x5 x5 के लिए फिर n n is equal to 4 लेना होगा, तो x4 plus 1 is equal to x5। अब हम x1 plus x2 x3 x4 ये रहा, ठीक है। अब हमें x5 की वैल्यू दे रखी है 43 और माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी x1 x2 x3 x4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 42, ठीक है। अब देखिए यहां पे x4 तक की वैल्यू 42 और x5 तक की वैल्यू 43, 42 इंटू 43 और प्लस 1, तो हमें आंसर मिल जाएगा x6 का। और अब x6 का जितना वैल्यू आंसर मिलेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स कर लोगे, तो आंसर आएगा 30, इतना तो कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको समझाने की और ना ही रीड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। एक पॉइंट से ईस्ट की तरफ एक चींटी जाती है, थोड़ा सा हंस लीजिए मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि, और फिर यहां से इधर जाती होती है, लेकिन इसने 160 डिग्री का टर्न लिया और ये फिर 4 फीट यहां पे आ गई, ये 160 डिग्री का टर्न लिया, फिर ये जो है अपने राइट में 160 डिग्री का टर्न लेती है, इधर से 160 डिग्री का, तो ये कितना हो गया 20, ये भी 20, ठीक है। फिर यहां से ऐसा ये करते रहेगी 20, ठीक है। तो अब देखो आप सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन के बेस पे इसका आंसर निकाल सकते थे, कैसे, ये एक टर्न हुआ लगभग 20, तो इतना ही एंगल होता है, ठीक है ना, या फिर 160 भी इधर से नापते हो तो इतना ही लगभग लगभग, तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे आप एक्यूरेट आंसर आ सकता था। एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, ये देखो 5 6 ठीक है 7 यहां देखो आप 8 और ये 9, देखो ये हर टर्न पे एंगल आपका 20-20 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि ये सीधे कर लो तो 160 होना चाहिए, ये एक्यूरेटली यहाँ पे आके मिल जा रहा है, यानी जहाँ शुरू किया था वहां पे एंड हो गया,
यानी टोटल इसे 9 टर्न मारने पड़े, गिना था ना, तो 9, एक टर्न में 4 फीट चल रही थी, तो 9 4 जा 36 फीट, बस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सबने पढ़ा होगा और समझ भी लिया होगा। सॉल्यूशन आइए देखते हैं सीधे। ये अगर टेबल मान लिया जाए, इसको 1 मान लीजिए, इधर 3 रख दीजिए, इधर 4 रख दीजिए, ठीक है, तो इधर आसानी से 5 लोगों को बिठाने के लिए 3, अब बचा क्या 2 और 4, तो 2 तो यहाँ पे रख नहीं सकते, 5 रख सकते हो, इधर 2 रख सकते हैं। अब देखो ये दोनों लगातार नहीं, लगातार नहीं, लगातार नहीं, लगातार नहीं, यानी उन दोनों को लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, एक ये पैटर्न हो गया। अब देखो, अब इसको रोटेट करते रहो, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ पे, एक बार रोटेट किया, फिर दो बार रोटेट करोगे तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, फिर 3 बार रोटेट करोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे ही 5 रोटेशंस टोटल पॉसिबल है, तो इसके 5 अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए। इस पे ध्यान दो ना, कह रहे हैं ना 2 अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन अराउंड, रोटेशन करने से अगर दो तरीके का अरेंजमेंट बनता है तो वो दोनों डिफरेंट माने जाएंगे, तो 5 डिफरेंट रोटेशंस हो गए, 5 डिफरेंट वही सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए। और एक देखो, 4 और 3 को इंटरचेंज कर दो आप, ठीक है, 1 का 1 यही रहेगा, 4 इधर कर दो और 3 यहाँ पे आ गया, इसे सेम रहने दे सकते हो या फिर इसे भी चेंज कर लो, हाँ चेंज करना ही पड़ेगा, और 2 उधर चला गया। अब देखो, अब इसे भी रोटेट करोगे तो इसके भी 5 होंगे, यानी 5 प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल 10 अरेंजमेंट्स। आप दूसरा कुछ भी यहाँ पर रख के देख लो, आपका नहीं आएगा आंसर, यही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये मेरे को लगता है पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो एबीसी 3 डिजिट का नंबर है, यानी ए और बी और सी, अगर ये 3 डिजिट का एक नंबर है तो तीनों जो डिजिट होंगे वो सिंगल डिजिट होंगे, और एबीसी का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन डिजिट छूट सकते हैं, 3, 4, 5, और भी कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं, 6, 8, 10, और क्या होते हैं, तो 5, 12, 13, ये देखो डबल डबल डबल, तो इसकी 3, ये 3 डिजिट तो बन नहीं सकते, ये भी नहीं बन सकता, ये 3 डिजिट का बन सकता है, तो ए बी सी ये 345, लेकिन ये देखो सी स्क्वायर तो हमेशा फिक्स्ड है, ए बी में इधर उधर हो सकता है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अगर प्लस करते हैं तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो इन दोनों में इंटरचेंज हो सकता है, 5 तो अपने जगह पे फिक्स्ड है, तो हमारी जो डिजिट है वो हमारा जो नंबर है 345 और 435, इन दोनों में से हम ये चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए, ये दोनों तो कट जाएंगे लेकिन लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इसका आएगा ना, ये बड़ा है, तो 435 का आप निकाल लो, 5 से कट ही जाएगा, 58 जा एंड 57 जा, ये 3 से कट जाएगा, 8, 7, 15 क्योंकि है, ये 29 बार में, यानी कि 29 लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर आंसर। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर कोई खामी हो तो दोनों चीजें आप नीचे कमेंट में लिखें, जरूर लिखें, ताकि या तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, अपना पढ़ाई करूं, या फिर आपकी कुछ मदद हो सके तो वो मैं कर सकता हूं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट के जरिए हमें बताएं, दिन भर के अंदर में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये दिन भर जो ड्यूरेशन बताया वो मैंने मैक्सिमम ड्यूरेशन बताया, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना होता है, तो दिन भर के अंदर में मिल जाएगा, मे बी आपको 3 घंटे के अंदर मिल जाए, मे बी 6 आवर्स के अंदर मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम मैंने बताया, कैसे भी बिजी रहूंगा मैं आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दे दे, ताकि वीडियो डालने पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अपना सजेशन जरूर दें, थैंक यू।